अब देखो मैं हल्की सी रेस देता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कहाँ ज्यादा वाइब्रेशन है और क्या सीन है मतलब। ठीक है, क्या हालचाल दोस्तों आप सभी के, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो भाई स्वागत है आप लोगों का अमन पाठक ब्लॉग्स में, और आज मैं निकालने वाला हूँ अपनी बुलेट क्लासिक 350 जो कि लेटेस्ट वाली है मेरे पास, बिल्कुल लेटेस्ट वाली। और इसमें हम आज करने वाले हैं टेस्ट, किसका, वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो बनाने से पहले से ही मैं काफी दिन से एक्साइटेड हूँ कि ये वाली वीडियो कब बनाऊंगा। तो आज वो फाइनली दिन आ गया और आप लोगों को भी 100% क्लियर कर दूंगा कि बाइक में कहाँ कहाँ वाइब्रेशन ज्यादा है और किस साइड नहीं है। अगर आप लोग भी ये सब जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहो। और हाँ, हमेशा तो कमेंट करते हो कि नाइस वीडियो, नाइस बाइक है, लेकिन आज आप लोगों को ये भी बताना है वीडियो के नीचे कि ये भाई की शर्ट जो है ना कैसी लग रही है। अभी कल ही खरीद के ला रहा हूँ भाई। आज का जो होने वाला है ना एक्सपेरिमेंट टेस्ट, मजा आ जाएगा। और चलते हैं फटाफट अपनी बाइक को लेकर मैदान में और करते हैं वहां पे वाइब्रेशन टेस्ट। जब तक के लिए स्टे ट्यून। तो भाई वाइब्रेशन टेस्ट करने के लिए मेरी बुलेट बिल्कुल तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, और ये दो पानी की बोतलें तैयार और चार गिलास तैयार है भाई। अब मैं आप लोगों को बताऊं भाई, जब मैं ये गिलास और ये पानी की बोतल खरीद रहा था ना भाई, दुकान वाला मेरे को देख रहा, उसे लगा भाई किसके लिए ले जा रहा, क्योंकि वो दुकान वाला मेरे को जानता है इसलिए। ठीक है, और भाई मेरे मम्मी डैडी भी देखते हैं वाला ब्लॉग, ठीक है, मेरे सारे ब्लॉग देखते हैं। अगर उन्होंने देख लिया ना कि ये गिलास और ये पानी की बोतल लेके खाली मैदान में कर क्या रहा है, तो भाई मम्मी तो पक्का ये बोलेगी बेटा चखना भी ले ही लेता साथ में एक है। देखते रहो एंड तक, जब तक हम अपनी पानी की बोतलें और गिलास को रेडी करते हैं, और चखना में लाना भूल गया हूँ। तो आ जाओ यार फटाफट, मजाक से हटके अब फटाफट चालू करते हैं अपना वाइब्रेशन टेस्ट, लेट्स गो। तो भाई अब टाइम आ गया है कि अपनी बुलेट की हम करें वाइब्रेशन टेस्ट। तो आ जाओ फटाफट से अपनी बुलेट को रेडी करते हैं और जानते हैं कि चारों में से किस तरफ सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होने वाला है। तो आ जाओ चेक करते हैं भाई फटाफट, आ जाओ लेट्स गो। तो भाई मैंने चारों तरफ पानी रख दिया, एक बैक सीट पे, एक फ्रंट सीट पे, एक पेट्रोल के टैंक पे और एक आगे की तरफ। ठीक है, तो इससे अब हमें पता चलेगा कि वाइब्रेशन कितनी किस साइड है। तो फटाफट अपनी बाइक अब करते हैं ऑन। लो भाई टाइम आ गया अपनी बुलेट को चालू करने का। लो भाई देख सकते हो मैंने चालू कर दिया बाइक, बिल्कुल चालू है और अभी बिल्कुल ओके है। आगे का गिलास, पीछे का गिलास, चारों गिलास अभी खड़े हैं, मतलब चौड़ में खड़े हैं सारे। ठीक है, अब देखो मैं हल्की सी रेस देता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सा कामयाब है और कहाँ ज़्यादा वाइब्रेशन है और क्या सीन है मतलब। ठीक है, तो आ जाओ रेस देते हैं भाई। पहले वाला गिलास गिर गया है, ओह माय गॉड। पीछे का गिलास आगे आगे, ये भी गिर गया। सबसे पहले आगे का गिरा, उसके बाद यहां वाला स्लिप होके इस पे आ गया ड्यू टू वाइब्रेशन, एंड अभी बीच वाला सबसे कामयाब है ही। लो भाई ये भी गिर गया। तो भाई अब आप लोगों ने देख लिया, सब कुछ लाइव करके दिखाया है और मेरे गिलास भी सारे उड़ गए। तो भाई सबसे पहले जो है गिलास गिरा है यहाँ का, यहाँ वाला गिलास सबसे पहले गिर गया, उसके बाद कहाँ का गिरा था, उसके बाद बैक सीट का गिलास गिरा, बैक सीट का, ठीक है, वो भी वाइब्रेट होकर यहाँ पे आके गिर गया, एंड फिर यहाँ वाला गिरा था, और सबसे लास्ट में यहाँ वाला गिरा था जब मैंने फुल थ्रॉटल दे दिया था विदाउट गियर चढ़ाए। तो सबसे पहले पता चलता है कि हमारा हैंडल में जो है, हैंडल के साइड यानी ये जो फ्रंट पैनल है ना अपना, फ्रंट पैनल जो है इसमें वाइब्रेशन है ज़्यादा, इस साइड आप लोगों को वाइब्रेशन ज़्यादा दिखेगी क्योंकि मैंने गियर नहीं चढ़ाया, मैंने पहले बता दिया। अगर मैं गियर चढ़ा देता ना और मैं फुल भी रेस देता तो शायद इसमें कोई भी गिलास नहीं भी गिरता, ऐसा भी हो सकता है कंडीशन। बट मैं जब चलाता हूँ ना, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो माई एक्सपीरियंस इज लाइक मेरे को वाइब्रेशन फील नहीं होता। अगर वाइब्रेशन मेरे को फील होता है ना, अगर मैं चलाता भी हूँ ना बाइक, तो मुझे आगे की तरफ वाइब्रेशन ज़्यादा फील होता है लाइक इन हैंडल। एंड अगर मैं फुल थ्रॉटल भी दे देता हूँ विदाउट शिफ्टिंग एनी गियर, तो ये जो मिरर है ये भी एकदम मूव नहीं करता है, वाइब्रेट नहीं करता है, बट ऐसा फील होता है कि आगे की तरफ, बाइक के आगे की तरफ ज़्यादा वाइब्रेशन है। जो कि अभी हमने वाइब्रेशन टेस्ट किया तो पता चल गया कि सबसे पहले आगे का गिलास गिरा, दैट मीन सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आगे है। और भाई बाकी बाइक का लुक देखो जरा, कितना प्यारा लुक है बे, मतलब यार इसका एक रोला अलग है, मतलब रोड पे जब चलती है ना तो ये चीज़ कुछ अलग हो जाती है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। बंदे मुड़ मुड़ के देखते हैं इस बाइक को और देखते रहेंगे, क्योंकि इसका जो लुक है वो है गैंगस्टर लुक। और ये मैं नहीं कहता, मतलब जिनके पास भी है, अगर आप लोग भी देख रहे हो मेरी वीडियो और आप लोगों के पास भी अगर ये वाली बाइक है, तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ कि
बंदे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप सच बताना, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए मेरे को, ठीक है भाई? दिस बाइक इज नॉट अ बाइक, दिस इज इमोशन। हमेशा रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाता था और ये बाइक देखता था, मैं बैठता था और अपने भाई को बोलता था भाई फोटो खींच, मम्मी को दिखाऊंगा घर जाके। और वो भाई आप मानोगे नहीं, ये जो रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है ना, वो बंदा मेरे को जानने लग गया था भाई, वो बंदा मेरे को जानने लग गया था। तो जब मैं आफ्टर वन ईयर मैं जब लेने गया ना ये वाली बाइक, तो मैंने बोला कि भैया देखने नहीं आया हूँ, आज मैं लेके जाऊंगा इस बाइक को। भाई वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी, सभी के लिए यार एक प्राउड मोमेंट था। जो लड़का एक साल से सिर्फ ये बाइक देखने जाता था, उसने एक दिन ये बाइक ले ली, तो भाई कोई भी ले सकता है। बंदे मेरे को कमेंट करते हैं, मेरी रिसेंट वीडियो में कमेंट किया कि भाई मेरा ड्रीम है, भाई मेरा ड्रीम है, मतलब ड्रीम को मतलब रखो कि मेरे को लेनी है तो लेनी है। और बट मेरा यही कहना है, हार्ड वर्क दबा के करो, ये तो कुछ भी नहीं है। हाईबुजा लोगे आप, हाईबुजा ये कुछ भी नहीं है भाई, ये 2-2.5-3 लाख की बाइक कुछ भी नहीं है। आप लोग हाईबुजा क्या, आप लोग बहुत बड़ी चीज़ें हासिल कर लोगे। तो भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे जल्द आए। और आप लोग बुलेट पे कैसी वीडियो चाहते हो नेक्स्ट वीडियो मेरे को कमेंट करके बताओ, तुम्हारा भाई कल ही आके दोबारा इस मैदान में वीडियो बनाएगा भाई, टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू यार, सभी को लव यू, बाय।